कई साल पहले हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी जिसका नाम जुरासिक पार्क था। इस फिल्म ने सफलता के कई रिकॉर्ड तोड़ डाले थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जुरासिक पार्क फिल्म निर्माण के पीछे जो वैज्ञानिक प्रेरणा स्रोत थे, उनका मानना है कि धरती पर एक बार फिर से दैत्याकार डायनासोर की वापसी हो सकती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने दैत्याकार डायनासोरों की वापसी का जो साल बताया है वो ठीक 3 साल पहले हमसे दूर है। साल 1993 में आई हॉलीवुड फिल्म जुरासिक पार्क अब तक की सबसे प्रसिद्ध हॉलीवुड फिल्मों में से एक मानी जाती है। और इस फिल्म में एक जीवाश्म की कहानी को दिखाया गया है कि कैसे एक जीवाश्म फिर से वापसी करता है। जुरासिक पार्क की फिल्म की कहानी बताती है कि मध्य अमेरिका के एक द्वीप पर फिर से दैत्यकार जीव लौटते हैं और फिर तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। फिल्म में दिखाया जाता है कि सैकड़ों डायनासोर के अंडे मिले हैं जिनसे अब नए नए चूजे निकलने वाले होते हैं। वो तो खैर फिल्म थी, लेकिन अगर वास्तव में धरती पर डायनासोर युग की वापसी हो जाए तो सोचिए क्या होगा। डायनासोर फिल्म काफी प्रसिद्ध हुई थी और उसके बाद इसके कई सिक्वल भी बने। वहीं डायनासोर फिल्म की आखिरी किस्त जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन 10 जून को रिलीज होने वाली है। बेशक डायनासोर फिल्मों की कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक हैं, लेकिन स्टीवन स्पिलबर्ग की फिल्म में डायनासोर के जीवन और उनकी टेक्नोलॉजी पर सलाह देने वाले मशहूर जीवाश्म विज्ञानी ने कहा है कि वे निकट भविष्य में डायनासोर का पृथ्वी पर लौटना वास्तविक हो सकता है। साल 2015 में एक पैनल डिस्कशन के दौरान मशहूर जीवाश्म वैज्ञानिक जैक हॉर्नर ने इस दैत्यकार जीव की धरती पर संभावित वापसी को लेकर सनसनीखेज टिप्पणी की थी। वैज्ञानिक डॉक्टर जैक हॉर्नर ने दावा किया था कि इंसान लगातार टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए साल 2025 तक डायनासोर के अस्तित्व को फिर से वापस लाने में कामयाबी मिल सकती है। वैज्ञानिक डॉक्टर जैक हॉर्नर ने दावा किया है कि अनुवांशिक रूप से डायनासोर के वंशज मुर्गियों को माना गया है और मुर्गियों के अंदर कई ऐसे लक्षण मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वो अनुवांशिक तौर पर डायनासोर रहे होंगे। लिहाजा वैज्ञानिक डॉक्टर जैक हॉर्नर ने कहा है कि अगर मुर्गियों के पैतृक लक्षण को फिर से एक्टिव कर दिया जाए तो इसकी पूरी संभावना है कि धरती पर डायनासोर की वापसी हो सकती है और धरती फिर से जुरासिक पार्क जैसे हालात बन सकते हैं। डॉक्टर जैक हॉर्नर ने समझाते हुए कहा है कि बेशक पक्षी डायनासोर हैं, उन्होंने कहा है कि हमें बस उन्हें ठीक करने की जरूरत है ताकि वे थोड़ा और डायनासोर की तरह दिखें। डायनासोर की लंबी पूंछ, लंबे हाथ और लंबे पैर थे और लगातार विकास करते करते उनकी पूंछ गायब हो गई और उनके हाथ पंख में बदल गए। उन्होंने कहा है कि वास्तव में पंख और हाथ होने उतने मुश्किल नहीं हैं। हॉर्नर ने कहा है कि एक चिकन सोर्स वास्तविकता बनने के रास्ते पर है और उनमें पूंछ का निकलना सबसे बड़ी परियोजना है। डॉक्टर जैक हॉर्नर ने कहा है कि हाल में टेक्नोलॉजी से हम कई चीजों को करने में कामयाब भी हुए हैं और उनसे उम्मीद जागी है कि डायनासोर को फिर से जिंदा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वहीं मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की एक टीम ने एस्टेरॉयड और डायनासोर के खत्म होने को लेकर चौंकाने वाला निष्कर्ष निकाला है। ये रिसर्च उन जगहों पर किया गया है जहां एस्टेरॉयड की टक्कर पृथ्वी से हुई थी और ये जगह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है जिसे तानिश जीवाश्म स्थल कहा जाता है। इस जगह पर हजारों जीवाश्म मिले थे और जिनके बारे में माना जाता है कि उनकी मौत पृथ्वी से एस्टेरॉयड के टकराने के बाद हुई थी। इस जगह को लेकर वैज्ञानिकों की टीम ने अलग अलग विश्लेषण किए हैं। शोध में पता चला है कि वन्य जीवों की मृत्यु 66 मिलियन वर्ष पहले यूकाटन प्रायद्वीप के एक बड़े एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के कुछ घंटे के अंदर हो गई थी। इस जगह पर मछलियों के जीवाश्म का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जिस वक्त पृथ्वी से एस्टेरॉयड की टक्कर हुई होगी उस वक्त धरती पर वसंत ऋतु खत्म हो रहा था और गर्मी की शुरुआत हो रही थी। यह जगह आज की मेक्सिको के पास है जहां धरती के अंदर हजारों जीवाश्म दफन हैं और ये सभी जीवाश्म सिर्फ डायनासोर के ही नहीं बल्कि इनमें विशालकाय मछलियों के जीवाश्म भी दफन हैं जिनके विश्लेषण से अद्भुत जानकारियां वैज्ञानिकों के हाथ लग रही हैं। बड़े पैमाने पर विलुप्त क्रेटिस और पूरा पाषाण काल के बीच की सीमा को चिन्हित करती है और उस समय जीवित 75% प्रजातियों की मृत्यु हो गई थी। आई होप यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।